आपको अमित शाह का दंगाइयों पर वो बयान सुनाते हैं जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। मैं आपको कहता हूं 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए, ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। रितेश हमारे साथ जुड़ गए। रितेश, वाकई में देखिए, अमित शाह के आने के बाद ये मामला और बड़ा बनता जा रहा है। जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा कि जो लोगों ने दंगा किया है, हमारी सरकार अगर बनती है तो हम उल्टा लटका देंगे। अब पलटवार ये है कि पहले यूपी देख लीजिए, दंगे के नाम पर राजनीति आप करते हैं। सवाल फिर वही आ जाता है कि अब जो स्टेट लेवल के नेता थे वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस मामले को पूरे देश के भीतर एक तरीके से, जिस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है या जिस तरीके से लिया जा रहा, ये बड़े पैमाने की राजनीति दिख रही है पूरे मामले पर। अब बिल्कुल देखिए, जो भी राजनीति इस वक्त बिहार में हो रही है, खास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर जो राजनीति चल रही है, जिस तरह से विपक्ष सरकार को घेर रहा है, सरकार जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमलावर है, ये सारी जो राजनीति हो रही है इसके केंद्र में है साल 2024 का लोकसभा चुनाव। और एक तरह से राजनीतिक दलों को एक मुद्दा मिल गया है, बीजेपी को मुद्दा मिल गया है राज्य में बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर की जो बात है वो। आप देखिए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए, उनके कई कार्यक्रम रद्द हुए, सासाराम वो जाने वाले थे, वहाँ कार्यक्रम रद्द हुआ, और बीजेपी ने इसे साफ तौर पर दिखाया कि उनकी सुरक्षा जो है, गृह मंत्री की जो सुरक्षा है वो खतरों में थी। दूसरी तरफ अगर नवादा की रैली की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुँचे और उन्होंने कहा कि बिहार में जो लोग इस तरह से दंगाई हरकत कर रहे हैं, अगर उनकी सरकार बनती है तो उल्टा लटकाकर वैसे लोगों को वो सीधा करेंगे। अब इस पर जो विपक्ष है, यानी आरजेडी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, जेडीयू की बात कर लें, वो हमलावर है। उनका कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह इस तरह की अगर भाषा इस्तेमाल करेंगे तो ये कहीं से जायज नहीं, और कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह के बयानों को वो डिफेंड कर रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कहीं से भी खराब नहीं है, एक दो जगह से घटनाएं हुई हैं, लेकिन बीजेपी इन तमाम घटनाओं को काफी सियासी तुल दे रही है। लेकिन बात यही है कि जिस तरह से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं उन लोगों के मुद्दे गौण हो रहे हैं जो दंगा में पीड़ित हैं, जिनका घर बर्बाद हो गया, जिनके दुकान चल गए। रितेश, और जाहिर से बात है कि पूरे मामले पर देखना यह कि राजनीति से क्या वाकई में इन लोगों का मरहम जो घाव है उस पर लग पाएगा, क्योंकि सबका अब नजरिया 2024 चुनाव के आधार पर देखा जा रहा है। धन्यवाद इस पूरी तमाम जानकारी के लिए।